फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जो कोई इस एकादशी का व्रत करता है उसे दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। ये दिन काफी पावन होता है। इस बार इस दिन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। कोई कह रहा है कि 6 मार्च को है तो किसी का कहना है कि विजय एकादशी 7 मार्च को मनाई जाएगी। तो चलिए आपकी दुविधा दूर कर देते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च को शुरू होगी और अगले दिन 7 मार्च को सुबह 5:46 पर खत्म होगी। उदय तिथि माने होने की वजह से इस बार विजय एकादशी 6 मार्च को ही मनाई जाएगी। इस दिन अगर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं तो कोर्ट के मामलों में सफलता मिलेगी। तो आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि विजय एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व क्या है। हर महीने में 2 एकादशी होती है, तो यह जो मार्च का महीना और फागुन का महीना है, पावन महीना, इसमें जो है ये कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी 6 मार्च बुधवार को होगी। तो इस बार जो विजया एकादशी है, यदि आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, आपको न्याय चाहिए या किसी शत्रु से लड़ाई है, शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, तो इस एकादशी के दिन आप व्रत रखें। पूरे दिन व्रत रखना है और शाम के समय में विष्णु भगवान का पूजा करें और पूजा में केला भगवान को अर्पण करें, सादा तिल अर्पण करें और अपराजिता का फूल, 11 अपराजिता का फूल आप यदि विष्णु भगवान को अर्पण करते हैं तो निश्चित है आपको शत्रु से विजय होगी। लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य के अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता।